और सीधे लेकर चलेंगे आपको, मंत्री मिथिलेश ठाकुर को जिला प्रशासन सम्मानित कर रही है, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर इस समय की। बता दें आपको कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सम्मानित किया जा रहा है और ये सम्मान जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। मिथिलेश ठाकुर जो कि हाल ही में कोरोना निगेटिव पाए गए, उसके बाद इससे पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ठीक हो गए, प्लाज्मा डोनेट किया। जिला प्रशासन, इसमें हम लोगों को ऊपर से भी स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन मिलता रहा है और बड़े बड़े हमारे रोल मॉडल जैसे कि हमारे पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री हुए, इसके पहले भी हमारे एक विनोद कुमार थे, उन्होंने दो बार डोनेट किया है। कई हमारे पुलिस के जवान हैं जिन लोगों ने डोनेट किया है। ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बचा रहे हैं। ये सभी लोग जो हैं एक लाइफ सेवियर हैं, एक जीवन रक्षक की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन इन सभी लोगों को सलाम करता है, धन्यवाद देता है, साधुवाद देता है। और मैं पेयजल स्वच्छता मंत्री जैसे अभी आज उन्होंने डोनेट किया है, उनका ब्लड ग्रुप भी बहुत निगेटिव है, ए निगेटिव और रेयर है। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही कई अन्य लोग जो लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात देकर पराजित करके वो आगे बढ़े हैं अपने, वो आगे आए। और हम लोग एक वेबसाइट शुरू करने वाले हैं, वो संभवतः कल या परसों में शुरू हो जाएगा। मैं सभी इच्छुक डोनर से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग उस वेबसाइट पर रजिस्टर हो और आप लोगों को एक समय दिया जाएगा, आप उस समय पर आप आकर यहाँ पर अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। मैं पुनः सर को धन्यवाद देता हूँ और सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर डोनेट उन्होंने किया और इस तरह से उन्होंने एक मिसाल कायम की है, लोगों से भी उन्होंने अपील की है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं, जिन्होंने जंग जीत ली है, वो भी आगे आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। और जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया, ए निगेटिव उनका ब्लड ग्रुप है, बहुत ही रेयर आता है और इस तरह से एक बड़ी यहां पर उपलब्धि कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि मंत्री खुद आगे आते हैं, प्लाज्मा डोनेट करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि वैसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने फिर कोरोना से जंग जीती, वो भी आगे आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी पहल और शायद इसी वजह से ये जो तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं, जिला प्रशासन की तरफ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सम्मानित किया गया, उन्हें धन्यवाद दिया गया। मंत्री है झारखंड राज्य में, कोरोना से जंग उन्होंने जीती है और आज प्लाज्मा डोनेट उन्होंने किया, तो एक बड़ी बात अपने आप में। इसके साथ साथ मिथिलेश ठाकुर ने यह विनती भी की है, लोगों से अपील भी की है कि वैसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ठीक हो गए, कोरोना से जंग उन्होंने जीत ली, वो भी आगे आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय हम दिखा रहे हैं जहां पर जिला प्रशासन ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सम्मानित किया है और यह सम्मान की बात भी है क्योंकि राज्य के मंत्री है, कोरोना से जंग जीतते हैं और उसके बाद अपना जो प्लाज्मा है वो डोनेट करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि वो भी आगे आए, प्लाज्मा डोनेट करें। तो बहुत ही अच्छी खबर ये। और इस समय जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रिम्स परिसर से, सीधा लाइव आपको न्यूज 11 में दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सम्मानित किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम उन्होंने की है, लोगों से उन्होंने अपील भी की है। तो वैसे तमाम लोग जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है, उनके लिए एक मिसाल की बात है, एक इंस्पिरेशन है आप कह सकते हैं, क्योंकि मंत्री मिथिलेश ठाकुर जिन्होंने खुद प्लाज्मा डोनेट किया और लोगों के लिए मिसाल कायम की। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधी प्लाज्मा डोनेट करने के बाद उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। डीसी छवि रंजन है जो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं रिम्स परिसर से। ये तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय, उन्हें पौधा देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने अपील भी की और झारखंड वासियों के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन वाली बात है, वैसे लोगों के लिए खास करके। थोड़ी देर में लगता है संबोधित करेंगे, वो भी आपको सुनाएंगे हम।
प्रयास से यहाँ प्लाज्मा डोनेशन का यहाँ पर बैंक शुरू हुआ और ये मुझे लगता है कि विगत पिछले महीने 28 तारीख से इसकी शुरुआत हुई और मैं भी कोरोना संक्रमित हुआ था 7 जुलाई को और 21 को मैं नेगेटिव आया और प्रोटोकॉल के तहत मुझे 14 दिन फिर से क्वारंटाइन में रहना था। तो उस समय मैंने जब यहाँ शुरुआत हुई थी तो मैंने अपील की थी आपके माध्यम से, मैंने वीडियो बनाकर और मैंने ये अपील की थी कि मैं अगर पहला प्लाज्मा डोनर बनूँ इस राज्य का तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन कुछ मेडिकल कारणों से उस समय मैं ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो सका और साथ ही साथ मेरा ब्लड ग्रुप भी रेयर ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। तो कल रात में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि किसी हमारे झारखंडवासी को का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उनको प्लाज्मा की आवश्यकता है, तो आज मैं स्वयं से यहाँ उपस्थित होकर और प्लाज्मा का मैंने दान किया है, मैंने प्लाज्मा डोनेट किया है और मैं आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भी इस संक्रमण से लड़कर और जीत हासिल कर बाहर आए हैं और उनमें अच्छी एंटीबॉडी बनी है कि जिसमें वो प्लाज्मा डोनेट करने के लायक हों और किसी की जान बचाने के काबिल बने हैं, तो आप आगे बढ़कर आए, पूरे राज्यवासी से मेरी अपील होगी आगे बढ़कर आए और अब प्लाज्मा दान करें। इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता, आपके एक यूनिट प्लाज्मा दान करने से आप दो लोगों की जान बचा सकते हैं और इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता बल्कि इससे फायदा होता है शरीर को। जिस तरह से ब्लड डोनेशन से फायदा होता है उसी तरह से प्लाज्मा दान करने से भी फायदा होता है और हमारी जो मुहिम है इस संक्रमण को भगाने की, इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। वैसे लोग जो इस संक्रमण से लड़कर जीत कर आए हैं उन्हें दूसरा जीवन दान मिला है और उन्हें यह भी एक कहें कि उपहार मिला है उपहार के रूप में। और मैं पूरे राज्यवासियों से अपील करना चाहूँगा कि किसी तरह का शारीरिक, किसी तरह का मानसिक, किसी तरह का कोई नुकसान प्लाज्मा दान से नहीं होता है और आप निर्भीक होकर प्लाज्मा दान करें और लोगों की जान बचाने में और इस मुहिम में आप आगे बढ़कर आएं और राज्य के लोगों के हित में काम करें, यही सबसे बड़ा धर्म है।